नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। पहलवानी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद बजरंग पुनिया ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस भी हरकत में नजर आ रही है। वही पुलिस ने भी इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि अभी तक बजरंग पुनिया को किसने धमकी दी है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी आती है लोगों को बता दिया जाएगा। दरअसल बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उस मैसेज में लिखा था कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा पहला और आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। जहां शिकायत करनी है कर लो, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। चूंकि इस समय हरियाणा में चुनावों का समय चल रहा है और शुक्रवार को बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट के साथ ही बजरंग पुनिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होते ही पार्टी ने बजरंग पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हां, वही बजरंग पुनिया को कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विनेश को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा से सियासी मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के महज एक हफ्ते के भीतर ही बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिलना एक बड़ा सवाल है। धमकी में साफ तौर पर यही कहा गया है कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा पहला और आखिरी संदेश है। हालांकि धमकी किसने दी है इस बारे में अभी तक इसकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हो सकता है, क्योंकि इस गैंग का किसी को भी धमकाने का तरीका ज्यादातर विदेशी नंबर से फोन करके उसे धमकाना ही रहा है और अब पुलिस भी इस एंगल पर जांच करने में जुट गई है। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।